तो गाइस क्या तुम लोगों ने कभी वार्डन को देखा है? पर नॉर्मल वाले नहीं, मैं बात कर रहा हूँ इस रेड वार्डन की। और क्या सच में हम लोग इस एंशिएंट सिटी के पोर्टल को यूज करके जा सकते हैं नेदर के एंशिएंट सिटी के अंदर? आई नो क्वाइट कंफ्यूजिंग राइट, आई नो ये सब काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है, लेकिन क्या तुम लोगों ने कभी नोटिस किया है इन नॉर्मल एंडरमैन्स को? पर ये कुछ ज्यादा ही नॉर्मल है, इसलिए हम लोग बात करते हैं व्हाइट एंडरमैन्स की, जो कि दिखने में लिटरली पूरे सेम होते हैं एंडरमैन्स की तरह। लेकिन अब मेन बात तो यहाँ पर ये आती है कि क्या ये व्हाइट एंडरमैन्स भी माइनक्राफ्ट में एग्जिस्ट करते हैं? और अगर इसका आंसर हो जाए यस, आई नो ये चीज काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रही है, बट अब इन सब क्वेश्चन का आंसर तुम्हें वीडियो के एंड तक पता लग जाएगा। लेकिन रुको, जरा सबर करो, इसके बिल्कुल मत करना। सो सबसे पहले, तुम लोगों में से काफी सारे लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्या सोच रहे हो भाई, जाओ जाके फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर सब्सक्राइब करने जा ही रहे हो तो वीडियो को एक बार लाइक भी करके देख लेना यार, क्योंकि ये हमारी इस वाले वीडियो का लाइक गेम जो कि होने वाला है सिर्फ और सिर्फ 1000 लाइक्स का। सो आई होप सो तुम लोग कम्प्लीट करा दोगे। नाउ लेट्स बिगिन। तो मिस्ट्री वन के हिसाब से वार्डन, पर नॉर्मल वाला नहीं, रेड वाला वार्डन, क्या ये माइनक्राफ्ट में एग्जिस्ट करता है? और क्या एंशिएंट सिटी का पोर्टल हमें दूसरे डायमेंशन में लेके जा सकता है? तो अब यहाँ पे ये सब चीजें काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रही है, लेकिन हमें ये चीज तो चेक करनी पड़ेगी ना कि ये पोर्टल एक्टिवेट भी होता है कि नहीं। उसके लिए हमें खुद जाके ये चीज को चेक करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक वर्ल्ड को क्रिएट कर लेते हैं। इस वाले वर्ल्ड का हम लोग नाम देने वाले हैं रेड वार्डन। ओके, सो यहाँ पे मैं चीट्स को ऑन ही रखने वाला हूँ, क्योंकि हमें कुछ कुछ चीजें जो कि हैं क्रिएटिव मोड से चाहिए होंगी। सो चलो अब इस वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं एंड लेट्स गो। भाई ये क्या है यार, मैं तो आते यहाँ पे नीचे गिर गया। पर चलो छोड़ो, हमारा मेन मोटिव है यहाँ पे एंशिएंट सिटी को ढूंढना और रेड वार्डन को ढूंढना, ठीक है? तो सबसे पहले हमें एक एंशिएंट सिटी को यहाँ पे लोकेट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे एक एंशिएंट सिटी देखने को मिली है जो कि बिल्कुल मेरे आंखों के सामने है। तो सबसे पहले हम लोग फटाफट से यहाँ से नीचे चलते हैं और देखते हैं कि रेड वार्डन यहाँ पे स्पॉन हो रहा है कि नहीं। ओके, सो फटाफट से मैं गेम मोड चेंज करता हूँ एंड यहाँ पे मैं फटाफट से एक एग ले लेता हूँ वार्डन का। ओके लेट्स गो। सो यहाँ पे मैंने एक वार्डन का एग ले लिया है एंड ये देखो, जैसे मैंने इसे स्पॉन किया तो ये बिल्कुल नॉर्मल वार्डन है। लाइक ये एकदम नॉर्मल वर्ल्ड में, ओवरवर्ल्ड में एकदम नॉर्मल ही है, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक वार्डन को स्पॉन नेचुरली करके देख लेते हैं, क्या पता कुछ हो जाए। एंड एज ऑलवेज यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ यार, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम लोग इसी चीज को तो चेक करने के लिए आए हैं ना। तो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें सबसे पहले एक चीज दिखाता हूँ। सो अगर तुम लोगों ने माइनक्राफ्ट का ये 1.19 का अपडेट खेला है और 1.19 में तुम लोग यहाँ पर आए हो, तो ऑफ कोर्स तुम लोग को इस पोर्टल के बारे में तो पता होगा ही। तो अब यहाँ पे लोग कहते हैं कि ये पोर्टल एक्टिवेट हो सकता है, लेकिन क्या सच में? तो अगर हमें इस मिस्ट्री को सॉल्व करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे खुद एक पोर्टल बनाना पड़ेगा। सो सबसे पहले मैं इस पोर्टल के जस्ट पीछे एक पोर्टल बना लेता हूँ फटाफट से। एंड हियर वी गो, ये बन चुका है एंड इसे एक्टिवेट भी कर लिया मैंने। तो यहाँ पे मैंने इसे एक्टिवेट कर लिया है, पर अगर एक तरह से देखा जाए तो ये पोर्टल एकदम नॉर्मल है, मतलब ये हमें नॉर्मली नेदर की तरफ ही लेके जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इसके अंदर कुछ मैजिक करें तो क्या ये सच्ची में वर्क कर सकता है? सो यस, मैजिक करने के लिए हमारे पास जो माइनक्राफ्ट 1.19 में नई चीज आई है इको शार्ड, इसको इसके अंदर फेंकना पड़ेगा। देन एक और नई चीज है जो कि है ये रिकवरी कंपास, इसको पकड़ के हमें इस पोर्टल के अंदर जाना है। तो अगर हम इस मिथ के हिसाब से, हम लोग को वहां पे नेदर के एंशिएंट सिटी के अंदर पहुंच जाना चाहिए। एंड वेट, शायद मैंने यहाँ पे कुछ ज्यादा ही गलत कर दिया। ओके, आई रियलाइज कि मैंने इस पे दो चीजें डालनी थी, एक तो ये स्कल कैटलिस्ट और इस इको शार्ट को इसके अंदर डालना है, ठीक है? और उसके बाद ये रिकवरी कंपास पकड़ के हमें इसके अंदर डालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको डालते हैं स्कल कैटलिस्ट, और फिर हम लोग इसके अंदर डालेंगे ये इको शार्ट, एंड देन ये रिकवरी पंकस पकड़ के हमें इसके अंदर जाना है। सो इन 3, 2, 1 एंड लेट्स गो। वेट, हेलो, ओ भाई सब ये क्या? एंड वेट अ सेकेंड, भाई ये तो सच्ची में रेड वार्डन है, मतलब ये पोर्टल सच्ची में काम एंड लेट्स गो। तुम लोग देख सकते हो इसने अपने हर एक चीज को साइड पे एकदम रेड कर दिया है। एंड भाई यहाँ पे मैं जो वार्डन नेचुरली भी स्पॉन कर रहा हूँ या वैसे भी स्पॉन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे वो वार्डन स्पॉन हो रहा है, वो भी रेड वाला। एंड यहाँ पे मेरे पास जितना भी सामान था वो सारा रेड हो चुका है। सो यहाँ पे ये मिथ कन्फर्म है, क्योंकि ये पोर्टल के अंदर हम ये सब करें तो शायद से ये वर्क कर सकता है।
बाकी तुम लोग कमेंट करके बताओ कि तुम्हारे वर्ल्ड में ये वर्क करा कि नहीं। तो गाइस अब यहाँ पे बिल्कुल अनबिलीवेबल चीज हुई है, क्योंकि भाई मुझे नहीं लगा था ये मिथ काम करेगा, लेकिन वहां पे मैं दूसरे डायमेंशन के अंदर पहुंच भी गया एंड वहां पे मेरे वार्डन को स्पॉन भी कर दिया। सो हमारे ये वाला मिथ 100% कंफर्म है। तो भाई अब यहाँ पे क्या तुम लोगों ने नोटिस किया है कभी एंडरमैन्स को? पर नॉर्मल वाले नहीं, मैं बात कर रहा हूँ व्हाइट वाले एंडरमैन्स की। आई नो तुम लोगों ने इन्हें कभी नहीं देखा अपने वर्ल्ड में, लेकिन मेन प्रॉब्लम तो यही है कि ये भी माइनक्राफ्ट में एग्जिस्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पे अब यूट्यूब पे तुम्हें इस एंडरमैन के ऊपर काफी सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, और यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन भाई प्यूडीपाई ने इसे अपने स्ट्रीम में खुद देखा हुआ है भाई। सो अब यहाँ पे मैं तुम्हें क्लिप प्ले करके दिखा देता हूँ कि एक्चुअली में हुआ क्या था। एंड भाई अब प्यूडीपाई ने देखा ही है तो ऑफ कोर्स ये चीज एग्जिस्ट करती है, लेकिन क्या तुम लोगों ने गौर किया कि जो प्यूडीपाई है वो जैसे वहां से जा रहा था उसके साइड पे एक व्हाइट एंटिटी खड़ी थी, एंड वो आइडेंटिटी की एकदम हाइट भी बिल्कुल व्हाइट एंटमैन की तरह थी। तो भाई अब तो बात ही खत्म, भाई प्यूडीपाई ने देखा है उसे अपनी स्ट्रीम में, तो अगर उसने देखा है तो ऑफ कोर्स ये चीज रियल ही है ना भाई। लेकिन हमें इस चीज को ट्राई करना चाहिए, क्योंकि क्या पता ये एक फेक वीडियो। आई नो मैं तुम्हें इस वीडियो में काफी ज्यादा कंफ्यूज कर रहा हूँ, पर वीडियो के एंड तक तुम्हें सब कुछ बिल्कुल अच्छे से पता लग जाने वाला है। तो यहाँ पे मैंने सीट वगैरह भी डाल लिया है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अपना गेम मोड ना क्रिएटिव में चेंज कर देता हूँ, एंड यहाँ पे चीट्स अलाउ ऑन रहने देंगे क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ क्रिएटिव मोड में भी करना पड़ेगा। ओके सो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ इस वर्ल्ड को। एंड वेट भाई, जहां पे मैं स्पॉन हुआ हूं, मतलब तुम सामने यहाँ पे डेजर्ट टेम्पल था, मतलब क्या सही चीज है यार यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो हमें यहाँ से कोई भी मतलब नहीं है, तो अभी हमें यहाँ से सीधा स्ट्रांग होल्ड के पास जाना है, ताकि वहां पे हमें पता लगे कि एंडरमैन जो व्हाइट वाला है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। सो यहाँ से अब हम लोग नीचे जाएंगे, एंड वो देखो वो रहा हमारा स्ट्रांग होल्ड। तो सबसे पहले हम लोग वहां पे चलते हैं, इस स्ट्रांग होल्ड को थोड़ा सा एक्टिवेट करते हैं। ओके लेट्स गो, यहाँ पे हमें किसी काम का नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। एंड अब हम यहाँ से एंड में जाएंगे, क्योंकि नॉर्मली अगर मैं पोर्टल बनाता तो वो एक नॉर्मल जगह हो जाती, और ये है थोड़ी स्पेशल जगह, क्योंकि यहाँ पे ऑफ कोर्स बहुत सारे एंडरमैन पहले से एग्जिस्ट करते हैं। एंड वेट भाई, मेरे को अचानक से डरा दिया था इन्होंने। तो चलो अब मैं फटाफट से इसके अंदर कूदता हूँ एंड इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं कि एंडरमैन माइनक्राफ्ट में एग्जिस्ट करता है, ऑफ कोर्स एग्जिस्ट करता है, पर व्हाइट वाला पे क्या बोलना चाहता हूँ। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एंडरमैन स्पॉन कर देता हूँ, एंड ये देखो ये एंडरमैन बिल्कुल नॉर्मली स्पॉन हुआ है, जैसे ब्लैक कलर में एंडरमैन होते हैं बिल्कुल वैसे स्पॉन हुआ है। तो एंड देखो तुम लोग थोड़ा सा ध्यान दो कि ये एंडरमैन यहाँ पर आ जाता है, मतलब हर बार ऐसा ही होता है। तो अगर मैं इस एंडरमैन को यहाँ पे मतलब इस पोर्टल के अंदर जाके ढूंढूं, तो क्या हमें ये व्हाइट एंडरमैन देखने को मिलेगा? मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सबसे पहले चलते हैं हम लोग यहाँ से एंड। तो अब यहाँ पे मैं फाइनली एंड के अंदर आ चुका हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग चलते हैं, पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जितने भी एंडरमैन है वो सारे के सारे लिटरली में ब्लैक ही है यार, मतलब कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ पे सारे के सारे एंडरमैन ब्लैक हैं, और मतलब ये सीड वर्क नहीं करा यहाँ पे आके। लेकिन यहाँ पे तो चलो ठीक है, लेकिन अभी भी इतना कुछ देखने के बाद भी अगर मैं तुम्हें कहूँ कि वाइट एंडरमैन माइनक्राफ्ट में एग्जिस्ट करते हैं, आई नो क्वाइट कंफ्यूजिंग। तो अगर हमारा पीओवी है एंडरमैन को ब्लैक देखना, ठीक है, तो ये हमारा पीओवी है कि हम लोग एंडरमैन को ब्लैक देखते हैं, पर क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि व्हाइट एंडरमैन का पीओवी कैसा होता है? सो यहाँ पे मैं स्पेक्टेटर मोड में आ चुका हूँ, एंड इन 3, 2, 1 लेट्स गो। यस, तो तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे जो एंडरमैन है उसे सारी एंटिटी यहाँ पे व्हाइट दिखती है, इसका मतलब जो अदर एंडरमैन है वो सारे के सारे व्हाइट एंडरमैन, मतलब एंडरमैन ही व्हाइट एंडरमैन है। लेकिन ये बात होगी पीओवी की, लेकिन अगर हम लोग गूगल के हिसाब से देखें तो यहाँ पे व्हाइट एंडरमैन एग्जिस्ट करता है। सो यहाँ पे मैंने कुछ ना कुछ करके एक कमांड ढूंढ लिया है जिसकी मदद से हम लोग कर सकते हैं एंडरमैन को स्पॉन। सो मैंने यहाँ पे कमांड डाल दिया, मैंने काफी बार ट्राई किया पर नहीं हुआ। सो अगर मैं इस बार एंड लेट्स गो,
वेट, यहाँ पे एंडरमैन तो स्पॉन हुआ पर ये वाइट एंडरमैन नहीं है, मतलब ये हर एक एंडरमैन की तरह नॉर्मल एंडरमैन है। तो भाई देखो, यहाँ पे मैंने वाइट एंडरमैन को ढूंढने का ट्राई किया पर वो नहीं मिला। लेकिन अगर तुम लोग को इस कमांड के जरिए एंडरमैन मिलता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। सो गाइज, अब यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो वाइट एंडरमैन की मिस्ट्री बस्टेड हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने दो मिस्ट्रीज को ट्राई किया जिसमें से पहली मिस्ट्री एकदम कंफर्म थी, लेकिन वहीं पे दूसरी वाली बस्टेड हो जाती है। अब दूसरी वाली मिस्ट्री बस्टेड है ये तो तुम लोग मुझे कमेंट्स में बताना। तो भाई अब इन सब बातों को साइड पे रखते हैं, अगर तुम लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो में एक बार यस कमेंट जरूर कर देना। एंड सुनने में आया तुम लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई पूरी वीडियो देख ही लिए तो एक सब्सक्राइब तो बनता है यार। एंड जाते जाते लाइक भी कर देना, क्योंकि हमारे इस वाली वीडियो का लाइक एम सिर्फ और सिर्फ 1000 लाइक्स का है। सो यहाँ पे तब तक लिए मैं मिलूंगा तुम्हें किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।